हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा। आज की क्लास में जो पीसीएस 2018 का पेपर आया था उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस थे, आज हम उन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैं हर क्लास में कहती हूँ, क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके उसका आंसर खुद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ बॉल ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर इट बाउंसेस, दिस इज अकॉर्डिंग टू। कि अगर बॉल को एक हाइट से ड्रॉप किया जाए, नीचे फेंका जाए, तो वो बाउंस होके एयर में दोबारा आ जाती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और द बॉल इज इलास्टिक। द आंसर इज इट्स सी, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी अगर एक्शन हो रहा है तो उसमें इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि जितनी जोर से मम्मी थप्पड़ मारती है उतनी जोर से रोना आता है कि नहीं? ठीक है, तो जितनी जोर से उसका एक्शन हो रहा है उतना ही इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि बॉल को ऊपर से फेंका जाए, जितनी हाइट से फेंका जाएगा वो उतनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंस होगी। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कोई भी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग भी जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पुट कर सकता है, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो साइकिल पेडल कर रहा है, ठीक है, अगर वो बीच में पेडल करना छोड़ भी दे, साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है थोड़ी देर तक, तो ऐसा क्यों होता है? ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन? दिस इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आता है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया को हम फिजिक्स के एक चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कोई भी आपको एग्जाम्पल आ सकता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग भी, सेकेंड, तो इसमें आपको डिटेल में ये मोशन जो है वो अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन ऑटोमोबाइल्स इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। ठीक है, ब्रेक्स, कार्स, ऑटोमोबाइल्स में ब्रेक्स यूज होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तो उसकी ये किसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है, कौन से लॉ या प्रिंसिपल की डायरेक्ट एप्लीकेशन है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, टॉर्सिलीज लॉ, बर्नौलीज थ्योरम और पास्कल्स लॉ। द आंसर इज इट्स डी, पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ में क्या है, इस हाइड्रोलिक ब्रेक्स में बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी फ्लूइड पे, या लिक्विड हो या गैसेज हो, तो वो यूनिफॉर्मली, यानी कि वो हर डायरेक्शन में उसको यूनिफॉर्मली जो है वो स्प्रेड कर देती है, वो जो उसका प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर देता है। तो जिसकी वजह से अगर एक स्मॉल पिस्टन, जैसे छोटा सा पिस्टन लगा होता है ब्रेक का, जब वो छोटे से पिस्टन पे ब्रेक लगाया जाए तो वो क्या होएगा, वो एक लार्जर पिस्टन के ऊपर जो है सारा प्रेशर जो है यूनिफॉर्मली ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेक लग जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेक का एक छोटा सा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, डिटेल में हम इसको अपने फिजिक्स की क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन। वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर साउंड ट्रैवल कर रही है तो वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? डेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर या ह्यूमिडिटी ऑफ एयर? इट डज नॉट डिपेंड ऑन सी, प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है, प्रेशर ऑफ एयर पे डिपेंड क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो उसका इफेक्ट है, जो डेंसिटी है गैस की, ठीक है, एयर की जो डेंसिटी है और जो प्रेशर उस पर लग रहा है, ठीक है, एयर का, वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो साउंड की जो वेलोसिटी है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर की डिपेंड करती है कि उस टाइम उसकी डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एयर का, साउंड उतनी ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी से साउंड जो है वो ट्रैवल करेगी। ह्यूमिडिटी का भी डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी ज़्यादा एयर ह्यूमिड होती है यानी कि उसमें जितना ज़्यादा मॉइस्चर होता है, अब जो वाटर है, वाटर में जो साउंड है वो ग्रेटर वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, तो एयर में जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो उसकी जो साउंड है उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। अब जैसे जब बारिश, स्टॉर्म का मौसम होता है तो कितनी ज़्यादा तेज़ हवाएं की आवाज़ बहुत इजीली सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि उसमें उस टाइम एयर में मॉइस्चर आ जाता है, और वाटर जो है, वाटर में जो साउंड है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ही ज़्यादा साउंड की वेलोसिटी होगी। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है? सिर्फ प्रेशर ऑफ
एयर पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। जब लाइट एयर से ग्लास के तरफ ट्रैवल करती है तो क्या होता है? जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल लाइन के टूवर्ड्स बेंड हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल लाइन से दूर चली जाती है, कोई चेंज नहीं होता, ये नॉर्मल लाइन के पैरेलल हो जाती है। द आंसर इज इट्स ए, वो जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। एयर की जो डेंसिटी है वो बेसिकली कितनी होती है? 1.225 kg/m³। और ग्लास की डेंसिटी इट्स अराउंड 2000 to 8000, यानी कि एयर की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जब भी जो एयर है वो कम डेंस वाली मीडियम से अगर ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स मोर डेंसर मीडियम, अब एयर जो है बहुत ही कम डेंस है लेकिन ग्लास जो है बहुत ही ज़्यादा डेंस है, तो जब एक लाइट कम डेंस से ज़्यादा डेंस वाले मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड हो जाती है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल लाइन, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे क्या बना रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी रे ऑफ लाइट एक लेस डेंस मीडियम से मोर डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रही है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रोसीजर यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इस 2018 में देखिए क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, लेकिन 2015 में किस फॉर्म में था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन, कि एक्सरे कौन से प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है वो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन दे सकता है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप 2015 की वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता चले कि एग्जामिनर किस वे में क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। उसमें एक्सरे था और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी था, ठीक है। और PCS 2018 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग फॉर्म है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पूछ लिया गया है, तो आपको इनके कंसेप्ट जो है अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे कि अगर आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो एक मेडिकल प्रोसीजर है वो किस लिए, कौन यूज़ करता है, कौन सा मेडिकल प्रोसीजर इसको यूज़ करता है, इस प्रिंसिपल को? एक्सरे, सिटी स्कैन, एंडोस्कोपी या नन ऑफ द अबव? द आंसर इज सी, एंडोस्कोपी, ठीक है। एक्सरे तो कट ही गया था कि एक्सरे डज नॉट यूज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंडोस्कोपी बेसिकली किस लिए यूज होती है? जब डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए ह्यूमन की, ठीक है, तो उसको जब एक डॉक्टर एग्जामिन करता है उसे एंडोस्कोपी बोलते हैं। उसमें एक ट्यूब में एक कैमरा और लाइट फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू एक ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत सारी लाइट उसमें से पास करते हैं, जिससे डॉक्टर्स जो है उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंडोस्कोपी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 70 डेज, 1 ग्राम ऑफ सेफ सब्सटेंस विल बिकम 0.25 ग्राम आफ्टर हाउ मेनी डेज? 140 डेज, 70 डेज, 210 डेज या 280 डेज? द आंसर इज इट्स ए, 140 डेज। अब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होती है? बेसिकली ये हाफ पीरियड का मतलब होता है कि टाइम, ऐसा टाइम जो एक गिवन सब्सटेंस को डिके होने में लगता है, कि उसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ हो जाए, ठीक है। जैसे 1 ग्राम है वो जो रिड्यूस होती होती, डिके होती होती, जब तक उसकी क्वांटिटी हाफ नहीं हो जाती, उस टाइम पीरियड को अगर कैलकुलेट करें दैट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। वो डिके हो जाती है, हाफ हो जाती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ कि उसमें जो रेडिएशंस है वो इमिट होते रहते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती रहती है। कह रहे कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड है, वो 70 डेज है, यानी कि वो रिड्यूस हाफ तक होते होते उसको 70 डेज लग जाते हैं। अगर सेम सब्सटेंस का 1 ग्राम जो है, अगर उसको 0.25 ग्राम्स बनना है तो उसको कितने दिन लगेंगे? द आंसर इज 140 डेज। अब इसकी वर्किंग कैसे है? इनिशियल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? दैट इज एन ओ, 1 ग्राम। रिमेनिंग हमें कितनी चाहिए? एन टी, रिमेनिंग इज 0.25 ग्राम्स, ठीक है। और हाफ टाइम पीरियड हमारे पास कितना है? 70 डेज है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है एन टी, रिमेन्स निकालने का, दैट इज एन ओ, इनिशियल क्वांटिटी, इंटू हाफ, हाफ ऑफ हाफ लाइफ पीरियड,
ठीक है, अपॉन टी टोटल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टी ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, अब हमारे पास इन रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी थी, 0.25 NO, इनिशियल क्वांटिटी इज 1 ग्राम इंटू हाफ लाइफ पीरियड टी। ये टोटल तो हमें पता नहीं अभी इसको कितना लगेगा 0.25 ग्राम्स होने में टोटल डेज, और हाफ लाइफ कितनी है उसकी, 70 डेज है। ठीक है, अगर अब इसको डेसिमल से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में किया जाए तो इट विल बी 25/100 इज इक्वल्स टू 1/2/T/70। इसको रिड्यूस कर लेते हैं 1/4, ये 1/2/2 इज इक्वल्स टू 1/2/T/70। जब बेस इक्वल होता है उनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, 2 इज इक्वल्स टू टी बाय 70, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, 140 डेज। यानी कि उस सेम सब्सटेंस को 0.25 ग्राम्स तक रिड्यूस होने में कितने दिन लगेंगे, 140 डेज लगेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट जो है वो क्या है, मिक्सचर है पोटेशियम आयोडाइड और कॉमन सॉल्ट का, मॉलिक्यूलर आयोडीन और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर है, या कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयोडीन एंड कॉमन सॉल्ट, या ओनली पोटेशियम आयोडाइड है इसमें और कुछ भी नहीं होता। द आंसर इज इट्स ए पोटेशियम आयोडाइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर को क्या बोलते हैं, आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, विनेगर किसका सोल्यूशन है, 5 to 20% एसिटिक एसिड इन वाटर, 25 to 30% एसिटिक एसिड होता है वाटर में, 50% होता है एसिटिक एसिड, या 40 to 45% जो है वो एसिटिक एसिड वाटर में मिक्स किया होता है। द आंसर इज इट्स ए 5 to 20% एसिटिक एसिड जो है वो वाटर में मिक्स करके क्या बनाते हैं, विनेगर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस क्या था कि एक कोई सब्सटेंस है उसकी नेचर चेक करने के लिए कि वो एसिड है या बेसिस है, उसको चेक करने के लिए लिटमस पेपर यूज किया जाता है। तो वो लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है, बैक्टीरियम से, फंगस, एल्गा या लिचन। द आंसर इज इट्स डी, लिचन से जो है वो लिटमस जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन अनडैमेज ब्लड वेसल कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन टू थ्रॉम्बिन इज प्रिवेंटेड बाय, कि कोई ब्लड वेसल है उसको डैमेज नहीं हुआ है तो प्रोथ्रॉम्बिन से थ्रॉम्बिन बनने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए क्या चीज उसे रोक सकती है, फिब्रोजन, कैल्शियम, फैक्टर 6 या हेरेपिन। द आंसर इज इट्स डी, हेरेपिन। अब बेसिकली प्रोथ्रॉम्बिन होता क्या है, प्रोथ्रॉम्बिन एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में मिलता है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रॉम्बिन होता है, कि कोई अगर बॉडी में कोई क्लॉट बनना है, चोट लग जाती है तो बॉडी में क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉगुलेशन। ठीक है, बेसिकली जो क्लॉट्स बनते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, जब चोट लग जाती है तो ये जो प्रोटीन है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में होता है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई भी ब्लड वेसल जो डैमेज नहीं है, बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसमें वो क्लॉट बने, ठीक है, तो वो किससे प्रिवेंट किया जा सकता है, वो है हेरेपिन। हेरेपिन बेसिकली हमारे ब्लड को पतला बनाता है जिससे बॉडी में या ब्लड में क्लॉट्स नहीं बनते हैं, जो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।